चमार है तो चमड़ा छीले, यादव है दूध भेजे, बौरिया है सब्जी उगाए, कुहार है बर्तन भेजे, भूज है दाना भूजे। जब से मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री हुए और ये योगी जी आज 7 साल से मुख्यमंत्री हुए, कितनी वैकेंसी बहाली हुई, जो पेपर सब लीक, ठीक पेपर भी लीक हो रहा है। अब पढ़े लिखे नौजवान आज दिहाड़ी कर रहे हैं, 400 रुपये एक दिहाड़ी खट रहे हैं अपने परिवार की स्थिति को चलाने के लिए, उनकी सुनवाई कहाँ हो रही। आप देखिए, आप मार्केट में जाइए, घर घर जाइए, आप कितने भी पढ़े ग्रेजुएट बीटेक या एमटेक 12,000 नौकरी करने के लिए परदेश जा रहे हैं अपनी स्थिति सुधारने के लिए, कितनी वैकेंसी बहाली हुई। अभी हाल ही में पुलिस का पेपर हुआ था, वो भी लीक हो गया। कहते हैं ना कि कहीं करप्शन नहीं है, सबसे ज़्यादा करप्शन इसी में है। मणिपुर का कांड देख लीजिए, हाथरस का कांड देख लीजिए, कई कांड ऐसा है। आप देखिए कहाँ सरकार ने क्या पाबंदी लगाई, सिर्फ उनको पाबंदी यही है जो उनके खिलाफ है उनको किसी तरह जेल में करके मर्डर कर दो। नहीं, ये तो कहते हैं योगी जी, तो कहते हैं ये सब दूसरी पार्टियों के पाले हुए गुंडे थे जिनका सफाया हो रहा है। अरे पाले हुए गुंडे थे, कितने गुंडे हैं जिनको सफाया कर रहे हैं, उनके पास जाने के बाद वॉशिंग मशीन है कहा, वो फिल्टर करके सही कर देते हैं। जो उनके में गया पार्टी मिल गया, भाजपा का टोपी लगा लिया तो कहा वो कितना बड़ा गुनाहगार है, वो सही हो गया। आप बताइए हमको, हो सका? आप सबसे बड़े क्रिमिनल हैं, आपको भाजपा की टोपी लगा दे के आप लगते ही आप वॉशिंग मशीन का निर्मा है कि कौन से दिन में आप धुले हो गए, साफ हो गए। अच्छा, आपको लगता है कि भाजपा में जाने के बाद लोग साफ हो जाते हैं? अरे डेली आप बहुत से न्यूज़ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, डिबेट में सुनते रहते हैं, और उनके अंदर जो भी है बहुत से भाई प्रवक्ता हैं, सब इस पात्रा हैं, और नाम है वो सब ऐसा बोलते हैं कि जैसे आप डायरेक्ट जवाब नहीं देते, हम बहुत देखते हैं डिबेट डायरेक्ट उसको गोल मोल जलेबी तरह घुमाते अपनी बात से। हमारा सिद्धांत एक होता है, हम आपसे पूछा कि पूरब किधर है तो आप सीधा बताइए पूरब इधर है। आप नचा के क्यों पूरब जा रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, सीधा बताइए आप। उत्तर पश्चिम दक्षिण घुमाते हैं और घुमा कर सही साबित हो जाए। हाँ, सिद्ध अपने आप करने लगे। आप कहेंगे आपको तुलना करनी है कोई बात, यहाँ महंगाई की तुलना करो, गरीबी की तुलना करोगे तो कहेंगे हम पाकिस्तान से बेहतर हैं। पाकिस्तान महंगाई कितनी है? अरे बराबरी उसकी की जाती है, कंपटीशन उससे किया जाता है जो तुमसे तेज हो। जापान से करो, रूस से करो, अमेरिका से करो, हम उनसे जाए। यार डॉलर कहाँ चला जा रहा है, इंडिया कितने पीछे जा रहा है। अब तो उनका नारा है कि हम 400 पार, ठीक हम मान ले रहे हैं आपका 400 पार, किस चीज़ में 400 पार? 400 सीटों का वो बात कर रहे हैं और किस चीज़ में? अरे 400 सीटों का बात, उस बार कहे थे कि पेट्रोल का दाम हम इतना लाएंगे, सरसों का तेल का दाम इतना लाएंगे, इसका घटा कितना लाएंगे, कितना घटा लाए, वो भी तो 100 पार हो गया। हो सकता है 400 पार उसी कह रहे हो कि पेट्रोल डीजल सरसों का तेल 400 पार। आप जान रहे हैं इस बात की आशंका लग रही है कि वो उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि 400 पार वो सब। फिर जैसे पाकिस्तान में आप देख लीजिए कितनी महंगाई चरम सीमा चल रही है, हो सकता है इंडिया में भी स्थिति हो जाए। हमारे देश में 2014 कितने करोड़ का कर्ज में था, अब कितने करोड़ कर्ज में है। आप गूगल चला रहे हैं, आम बंदा देख रहा है 10 साल में महंगाई कितना गया, कितना डेवलपमेंट, कितना विकास हुआ भारत में, कितना विकास हुआ है। आप तो पत्रकार महोदय हर गांव, हर क्षेत्र, हर शहर, हर जगह जा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं राशन दिए, सिलेंडर दिए, शौचालय दिए, आवास दिए, और वो कह रहे हैं ये ट्रेलर था, एक बार मौका दीजिए फिर देखिए विकास। हाँ ये बात सही है, ट्रेलर फिल्म तो अभी बाकी है, वो यही तो कह रहे हैं कि अभी मतलब पूरी फिल्म भी बाकी है। ट्रेलर देख लो, जगह जगह किए, और पीछे जो भ्रष्टाचार की लाइन लगी है उसका बाकी है अभी, वो तो नहीं बता रहे हैं ना। हम राशन 4 किलो दे रहे हैं 80 करोड़ जनता को, लेकिन 400 किलो राशन में अगर एक परिवार अपने आप को जिला ले एक महीने तो हम जाने। आप बताइए 4 किलो राशन में आप खा जी सकते हैं एक महीने तक? पढ़ाई नहीं है बच्चों को, अच्छा कपड़ा न पहने, अच्छी शिक्षा न ले, अच्छा खाना न खाए, सिर्फ गेहूँ चावल से उसका पेट भर जाएगा? आप बताइए भर जाएगा किसी आदमी का, किसी एक पर आदमी बता दीजिए भर जाएगा, बताइए आप। अच्छा इस चुनाव में विपक्ष का यानी इंडिया गठबंधन हो या फिर अन्य पार्टियां हो, वो उनका सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी और महंगाई। इसके पहले भी चुनाव में ये चीज़ें मुद्दा थी, लेकिन क्या लग रहा है कि इन मुद्दों का असर होगा इस चुनाव में? अवश्य होगा, जरूर होगा मुद्दे चुनाव हो गया। अब वो जनता नहीं रह गई कि सिर्फ सिंबल देख के वोट दे,
ठीक है, सिंपल देख के सिर्फ वोट नहीं देने की रहेगी, वो अपने विकास के लिए अपने क्षेत्रीय नेता चुनेगी जो उसका विकास कर सके, जो अच्छा नेता हो। अभी आपसे एक दूसरी खबर बता दें, नगीना सीट देख रहे हैं आप, क्यों हर जात के लोग वहाँ एक होकर चंद्रशेखर को कर रहे हैं, क्या कारण है? वो जानते हैं वो आदमी यहाँ आएगा तो हमारी बात सांसद तक जाके उठेगी, जब हमारी बात सांसद में गूंजेगी तभी उसका फैसला होगा। कहावत है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन एक बंदा अगर घुसेगा जो अपनी बात को रखेंगे उसको 10 लोग मानने के लिए तैयार होंगे, तभी क्रांति, एक ही बंदे से क्रांति शुरू होती है। हमारे देश में आज़ादी होती का सभी लोगों ने नहीं आज़ादी के लिए लड़ा था, सभी लोगों ने पहल नहीं की थी, कोई एक तैयार हुआ होगा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। जब ये संख्या बढ़ेगी ऑटोमेटिक हर चीज़ घटता चला जाएगा। लग रहा है कि देश में अब की परिवर्तन होगा, परिवर्तन जायज होगा अगर उसमें बैलेट पेपर चुनाव होता, निष्पक्ष चुनाव होता, अच्छे से होता तो पता चलता। अगर उसमें वीवीपैट में दिखता है सिंबल, हमने जिसको वोट दिया चाहे जिस पार्टी को, तो वो पर्ची भी काउंट करनी चाहिए ना। हम तो माने जो पर्ची कटी, और साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि चुनाव वोट देने जा रहा आदमी अपनी मोबाइल लेके जाए और किसको वोट दिया उसका फोटो खींचे, उसको भी एसएमएस करने का। ये चीज़ें तो गुप्त दान है, ये जब हम मतदान करते हैं तो ये गुप्त रखना होता है ना, कि तो अगर क्योंकि अगर आप वोट देकर आएंगे तो फिर आप प्रचार करेंगे कि हमने इनको वोट दिया तो सारे लोग शेयर कर देंगे, तो ये चीज़ें इसीलिए तो उसको गुप्त रखा गया है। इसलिए वीवीपैट को भी वीवीपैट से गलत है बात, सही मान रहे हैं कि जो वीवीपर्ची जो कट की गिरती है उसको भी गुप्त क्यों रखा जाता है, उसको भी गिनना चाहिए, काउंटिंग उसकी होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्यों काउंटिंग नहीं होती उसकी? अब बताइए उसको भी तो काउंटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब यहाँ वोट हुआ 60% का, 60% के हिसाब से आप चलेंगे? 60% हुआ है, चलो मान लिए 60% वोट हो गया हमारे माननीय पूरे सदर विधानसभा में, तो उसमें तो भी सबका वोट होगा, जिसका नहीं दिया गया। आप हर गांव में जा रहे हैं, हर गांव का राजनीति ले रहे हैं, हर घर बंदिश मिल रहे हैं, किसका रुझान क्या है आप इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको इस पर लगता होगा कि कहाँ कितने लोग हैं। अब मतगणना के समय अगर उल्टा हो गया तो आपको क्या लगेगा? जो अभी हम जाएंगे करेंगे, हम 50 गांव घूमे और 50 गांव हमको मिल गया कि फला को वोट ज़्यादा मिलेगा, और रिजल्ट आ गया उसका जितना आप सोचे थे 60% उसको मिल गया, उसको 20% मिला, इसका मतलब क्या हुआ? आज के युग में सब जान रहे हैं, लेकिन सरकार के आगे आज वही हुआ कि तानाशाही मनुस्मृति ला दो, चमार है तो चमड़ा छीले, यादव है दूध भेजे बौरिया है सब्जी उगाए, कुहार है बर्तन भेजे, भूज है दाना भूजे, ये स्थिति लाना चाह रहे पहले जैसे स्थिति की, पहले जो चीज़ें थी वही वो रहे, वो रहे, हम राजा हैं तो हम राजा ही बने रहे। लोकतंत्र में ये चीज़ें मुमकिन हैं? अरे वही तो लाना चाह रहे हैं ना, संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं ना, संविधान लाने, आप ही बात कर लीजिए, संविधान को लिखने के लिए औकात है किसी की? उतना पढ़ा लिखा विद्वान कोई है इंडिया में आज के युग में? लेकिन अब तो कहते हैं कि संविधान बदलेंगे, संविधान बदलने का जिक्र होता है। अरे वो संविधान जब खत्म होगा तभी तो मनुस्मृति लागू होगी, और जब मनुस्मृति लागू होगी तभी तो हर जात के लोग, हर कौम के लोग जो बांटे गए हैं यहाँ पे, उनका व्यवसाय तभी तो मिलेगा। कौन बचा सकता है? अगर आपको लगता है मोदी जी से या भाजपा से डर है कि ये संविधान हटा देंगे, संविधान बदल देंगे, तो किसके ऊपर भरोसा है कि जो संविधान को बचाएगा, संविधान में बदलाव नहीं करने देगा? तो वो भाई उसके लिए हमने आपको पहले ही बताया ना, अभी चेहरे जो हैं वो सामने खुद आएंगे आपके, ठीक है। पहले अब जो आदमी जिस चीज़ से धीरे धीरे कोशिश की यूनिटी बनती है तो धीरे धीरे अपना विकास करता है, अपना एक बाहुल बनता है, उससे परिवर्तन आता है। एक बार किसी के ऊपर विश्वास किए, उनके जुमला जैसे भाषणों में विश्वास करके लोग फंस चुके हैं 2 बार 3 बार, अब फंसना नहीं चाहते।